महाराष्ट्र में आए विधानसभा चुनावों के रिजल्ट के बाद इस्लामी प्रचारक और मौलवी सज्जाद नुमानी ने पलटी मार ली है। उन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी को सपोर्ट करने वाले मुसलमानों का बॉयकॉट करने वाले अपने बयान को लेकर माफी मांगी है। एक लंबा चौड़ा लेटर लिखते हुए उन्होंने अपने इस बयान पर लोगों से माफी मांगी और कहा कि मेरा बयान किसी भी समाज के खिलाफ नहीं था। सज्जाद नुमानी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए ये लेटर पोस्ट किया है। अपने इस लेटर वाली पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मेरा बॉयकॉट वाला बयान काफी चर्चा में है, ये बयान किसी समाज के खिलाफ नहीं था या किसी प्रकार से फतवा नहीं था, फिर भी यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और बिना शर्त माफी मांगता हूं। मैं इसके बाद उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि भाजपा का समर्थन करने वाले मुसलमानों का बॉयकॉट करने का जो मेरा बयान था वो इस समय काफी चर्चा में है। मेरा ये बयान लोकसभा चुनाव से पहले सितंबर 2024 का है। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि मैंने विशेष संदर्भ में कई लोगों के सवाल के जवाब में ये बयान दिया था कि वो लोग थे जिनको लोकसभा चुनाव में वोट डालने को मौलिक अधिकार से रोका गया था। मेरा ये बयान उन लोगों के लिए था जो भाजपा के आम नागरिक को मतदान करने के संवैधानिक अधिकार से रोक रहे थे। मेरा ये बयान किसी भी समाज के लिए बिल्कुल भी नहीं था और न ही वो किसी प्रकार का फतवा था। अगर मेरे उस बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। वहीं इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले मौलाना सज्जाद नुमानी ने कहा था कि हमने 269 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को समर्थन देने का फैसला किया है। उन्होंने एक वीडियो में बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि आप लोग बीजेपी का बॉयकॉट करें। सज्जाद ने आगे कहा था कि अगर आपके इलाके में कोई बीजेपी को वोट देता है तो उसका हर जगह से बॉयकॉट करें, उसका हुक्का पानी बंद कर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।